अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्द व आले मुहम्मद। लियो वीकली होरोस्कोप 9 to 15 जनवरी, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा लियोज़? उम्मीद करता हूँ बफज़ल ताला आप सब खैरियत से होंगे और विंटर को आप इंजॉय कर रहे होंगे। हमारे तो इस वक्त जो है पूरे मुल्क में तकरीबन जो है वो चल रहा है, सीज़न है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तो आज तो फुल जो है वो बारिश थी, तो यकीनन आप महसूस हो रहे होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि विंटर में सन जो है ये आप जो है वो कैप्रिकॉन में होता है, थोड़ा सा साइड पे, और कैप्रिकॉन में इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी और इस वक्त आपके ये छठे घर में आपको फोकस करवाएगा अपनी एनिमीज़ के ऊपर, अपने मुखालफिन के ऊपर। खैर सन यहाँ पे गया तो डेफिनेटली आपको डोमिनेट तो ये करवाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो फोकस होगा वो अपनी फिज़िकल फिटनेस की तरफ भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार होंगे, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ और अपनी जिसको हम कहते हैं जॉब से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके ऊपर आपका फोकस होगा। आप अपनी एनिमीज़ को जो है इस वक्त टारगेट कर रहे हैं और जिसको कहते हैं अच्छा टारगेट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकते जितने कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। आपके खाना माल का हाकिम इस हफ्ते में जो है 14 जनवरी को ये रेट्रोग्रेड होगा और ये आपके जायचे के दूसरे और 11वें गुड लक का हाकिम है। जब मर्करी रेट्रोग्रेड होगा स्पेशली आपके 7वें घर में, 7वें घर को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको दूसरे और 11वें घर के हवाले से जो है थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जब ये आपके दूसरे घर का लॉर्ड होते हुए रेट्रोग्रेड होगा तो ये आपका आपकी तवज्जो जो है वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर जो है वो बढ़ा देगा। वो फ्लो नहीं होगा इनकमिंग का जो आपके पहले था, बल्कि अखराजात में थोड़ी सी तेज़ी आती चली जाती। आप अपनी ज़ात के ऊपर कुछ खर्च कर सकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ही मोहतात रहना है। लोगों में जो आपका पब्लिक इमेज है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चूँकि समटाइम ऐसा होता है कि इंसान ऐसी गुफ्तगू कर जाता है जो कि उसके लिए नामुनासिब होती है और बाद में भी वो खुद भी इसको एनालाइज करता है कि भाई मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। इसी तरह आप अपने लिबास के ऊपर, अपनी अपीयरेंस के ऊपर, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, इन तमाम चीज़ों की तरफ जाए फोकस होंगे। आप कुछ अखराजात करते नजर आते हैं अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए, आप स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं अपने गोल्स की अचीवमेंट के लिए, और इसके लिए आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा कॉन्शियस होंगे और आप इन चीज़ों को तजिया करेंगे कि किन चीज़ों की वजह से आप अपनी गोल्स जो है वो अचीव करने से रह जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके फोकस होंगी। आप अपनी इंट्यूशंस पे जो है गौर करेंगे इस वक्त, ना कि आप लॉजिक के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट होने लगी। 7th हाउस में इसकी रेट्रोग्रेशन है तो डेली वेजेस के जो आपके मैटर्स हैं उनमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है। रिलेशनशिप में आपके गैप आ सकता है अपने स्पाउस के साथ, आप जो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें आपको एहतियात करनी है। स्पेशली अगर कोई शाकादारी में है तो लेन देन के मामला को बड़ी ही मोहतात रवि से आपने लेना है। जो कुछ भी करना है आपने उसको रिटर्न में करना है। अव्वल तो मैं आपको कहूँगा माली लिहाज से किसी भी चेक देने वगैरह से देने से गुरेज कीजिएगा। कोई बड़ी कमिटमेंट जो कि आपकी कैपेसिटी से बड़ी हो, ऐसा करने से आपको कतई तौर पर गुरेज करना है। स्पाउस के साथ कुछ गलत फहमियाँ, कुछ इबाम डेवलप हो सकते हैं, इसलिए ये कुछ दिन जो कि 14 से 26 जनवरी के दरमियान के दिन है, इन दिनों में किसी भी किस्म की बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा। बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि पर्सन ने कुछ कहा नहीं होता, हमें जो सराउंडिंग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ये कहा आपके बारे में, उनकी ये राय। अब वो आप उनसे पूछे कि उन्होंने ये आपसे कहा तो कहेंगे नहीं, हमने उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया। ये सब ग्रूम्स होती हैं, इन चीज़ों पे आपने नहीं जाना जब तक अपने कान से सुनना लें, जब तक आप प्रॉपर तरीके से देखना लें, ऐसी किसी चीज़ की तरफ आपने नहीं जाना। इसी तरह लियोस का मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि ये वक्त आपकी जो कमिटमेंट है मैरिज के हवाले से, उसके हवाले से भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका अपना लॉर्ड छठे में है और मरकरी 7वें में रेट्रोग्रेड होगा। हाँ, 14 तारीख से पहले अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मोहतात रहना बेहद ज़रूरी होगा। अगर आपको बहुत ज़रूरी हो कि आपने फिर भी कोई आपके प्रोग्राम एडजस्ट हो चुके हैं, आप लियो है या आपका स्पाउस लियो है, तो फिर आप हमारे साथ रब्ता करके उसके लिए कुछ स्पेशल सदकात ख़ास तौर पे उसका अहतमाम कीजिए और परवरदिगार की अमान हासिल करिए। 3rd हाउस का लॉर्ड आपके मरकरी वीनस, ये आपके जायचे के छठे घर में है। कुछ इख्तलाफात नज़र आते हैं आपके और बहन भाइयों के माबैन, छोटी छोटी सी क्यूरीज़ हैं इनको अभी थोड़ा पर लॉन्ग कर लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ये इख्तिलाफ राय ये एक हुस्न होता है आपकी रिलेशनशिप का। आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने का तो कोई मज़ा नहीं जो सिर्फ हाँ करते हो, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नहीं, वो लोग जो आपको आपकी कमियों कोताहियों से आगाह करते हो वो आपके बेहतरीन दोस्त होते हैं। बहरहाल वो लोग जो कि सिविल सोसाइटी में मूव करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप में आपको कदरे अपनी गुफ्तगू में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। टेक्स्ट मैसेजिंग हो, आपका आपके डॉक्यूमेंटेशन हो, ऐसी तमाम चीज़ें, या एजुकेशन सेक्टर अगर आप बेसिक स्केल 12 तक का ले रहे हैं तो फिर आपको कदरे धीमेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपको थोड़ा पैशन का इजहार जो है वो करने की ज़रूरत होगी। चौथे घर का हाकिम आपके पाँचवें घर में, ये बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी सवारी की खरीद फरोख्त के लिए, आपको बेहतर मौके मिल सकेंगे। आप नॉलेज भी गेन करेंगे, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, नज़दीकी सफ़र भी हो सकते हैं। वालदा के साथ बिलखसूस और अपने छोटे भाइयों के साथ रिलेशनशिप आपका जो है वो काफ़ी बेहतर रहता हुआ नज़र आता है। इसी तरह हमारे वो लियोस जो कि औलाद के ख्वाहिश रखते हैं उन्हें औलाद नीना की खुशखबरी मिल सकती है। एंगेजमेंट के हवाले से ये एक बहुत अच्छा टाइम है, एंगेजमेंट आपकी तय पा सकती है। इसी तरह आपकी लव लाइफ भी जो है वो बेहतर होने के इम्कान मौजूद है। दूर के भी और नज़दीक के दोनों तरह के ट्रैवल आपके जो है वो नज़र आ रहे हैं। इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करना भी आपके लिए बेहतरीन फ़वाद का हामिल होगा, चूँकि आपका जूपटर ऑलरेडी 8वें में जो कि दूसरों से बस्ता जो मादी मफादात है उसके उसूल में कामयाबी देता है और अचानक से दौलत मिलने का भी ये इंडिकेशन जो है वो करता है। अगर आप क्योंकि विरासती मामला थे वो हल होते हुए नजर आते हैं, शाकादारी में काम कर रहे थे तो बेहतर प्रॉफिट का असूल आपके लिए मुमकिन होगा। बैरून मुल्क सफ़र की राहें खुली हैं। रिलेशनशिप आपके जो सिबलिंग्स हैं अपनी ससुराल साइड से उनके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। इसी तरह स्पेशलाइजेशन के हवाले से भी मामला बहुत अच्छे रहेंगे। अलबत्ता मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप इस हफ्ते में आपको कदर कुछ मिला जुला होगा। मुखालफत तो होगी लेकिन पूरी कामयाबी नहीं होगी, इसलिए आप जो है मुनासिब हद तक जो है वो सिक्योर नजर आते हैं। अलबत्ता आपकी कुछ इख्तलाफात अपने वालिद के साथ जो है वो सामने आपके आ सकते हैं। आपके 12वें घर का हाकिम है, आपके 10वें घर में 10 जनवरी को इसको शर्फ होगा, शर्फे कमर है, और ये आपके कैरियर रोजगार के घर में होगा। स्पेशली वो लोग जो कि फॉरेन के साथ काम कर रहे हैं या फॉरेन में सेटल्ड हैं आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान में उनके लिए भी तो बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए होगा। आप लाशोरी तौर पे फोकस होंगे अपने कैरियर पे, अपने रोज़गार पे, और आप इसके ऊपर मेहनत करते हुए बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। हर शर्फ़ कमर पे एक अलग वीडियो आपको ज़रूर दी जाती है। शर्फ़ कमर दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल, इस बार भी ये वीडियो चैनल पे जो है वो अपलोड हो चुकी हुई है। इस वीडियो के फ़ौरन बाद आपको उसका लिंक भी जो है मिलेगा। बेहतरीन जेमस्टोन आपके लिए रूबी पहनिए। इस तरह आप अपने बहुत सारे मसाइल को कवरअप करने में कामयाब हो जाएंगे और सन की जो थोड़ी सी जो कमज़ोरी हो रही है वो भी आप कवर कर लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अब इंसान का बेट होता है, जब उसका अपना प्लेनेट जो है वो अच्छी पोजिशन में होता है बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली जो है वो कवर कर लेता है। और रूबी क्या करता है, बेसिकली ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके लिए, ये कॉस्मिक वेव्स का रिसीवर होता है। सो जो कमी सन के थोड़ा सा कैप्रिकॉन में होने की वजह से आएगी वो आप रूबी से जो है वो कवर करते चले जाएंगे अगले दिनों में। ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट जावागेम्स.com विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वंस अगेन कहूँगा, ज़हन में रखिया करें कि ये जनरल है, जितना कुछ आपको बताया जा रहा है वेस्टर्न कैलकुलेशन है। इंडिविजुअल अपने बारे में जानना चाहते हैं, कोई मसाइल के हल के लिए मशावरत चाहते हैं, कोई बिग डिसीजंस हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं या 2022 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।